हाय गाइस, मैं हूं दीपिका खकर इब्राहिम एंड वेलकम बैक टू दीपिका की दुनिया। सो ये क्लिप है परसों की, जब शोएब ने सडनली घर पे आके मुझे सरप्राइज़ दिया और मैं बहुत हैप्पी हो गई। और फिलहाल जनाब लगे हैं अपने फ़ोन पे स्माइल करते हुए, क्यों? क्योंकि ये शाम की मोहम्मद अली रोड की प्लानिंग कर रहे हैं सब लड़कों को फ़ोन करके। आज अपने लिए नई पायल मंगवाई है। एक्चुअली आरती लास्ट टाइम जब आई थी तो उसने इससे काफी सिमिलर एक पायल पहनी थी जो मुझे बहुत पसंद आई थी, तो मैंने उसे बोला था मेरे लिए भी ऐसी एक ला दे, तो आज वो ये लेके आई है। ये देख कैसी है। अच्छी है पर मेरे को ऐसा, पर मुझे इसमें वो होना चाहिए घुंघरू। हाँ, आवाज वाली घुंघरू नहीं है, इसके बिना मजा नहीं आता पायल पहनने का। कहाँ से बना ये? स्वर्ण प्लाजा। आप क्या बोले थे, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम एक हफ्ते बाद तुम ही इससे बोर हो जाओगी, तो आप नहीं ला देना। है भाई गॉल, देखो ये देखो। हाँ, मैंने दो मंगाई है, ठीक है, एक ये है एक वहां रखी हुई है। इससे मैं ना रमजान का महीना निकाल लूंगी, तीन हफ्ते निकाल लूंगी। आप मुझे नहीं पाएंगे, ठीक है? वाली तुम्हारे बर्थडे पे दी थी जो, वो भी है, वो तो झांझर है प्रॉपर। आज जनाब का हो गया जल्दी पैकअप और इन्होंने बड़ा ही प्यारा सा सरप्राइज दिया। मैं यहाँ बैठ के अपना ब्रेकफास्ट कर रही थी और मैंने कहा अरे इतनी जल्दी कैसे आ गए, लेकिन कल रात को नींद बिल्कुल नहीं हुई है। और अभी अभी दिमाग में कुछ चल रहा है, क्या चल रहा है क्या चल रहा है, इसलिए बिल्कुल मतलब कहीं पे कंसंट्रेशन नहीं है। क्या चल रहा है? कुछ नहीं, कुछ नहीं, नहीं, नहीं। सच बोलो, अभी फोन पे लगे थे काफी, देख लिए क्लिप सबने। क्या चल रहा है? सोच रहा हूं कि कहीं घूम आऊं, जाओ कहां, थोड़ा सा मूड अच्छा हो जाएगा, माइंड फ्रेश हो जाएगा, कहीं घूम के आऊं। मोहम्मद अली रोड, यस। और कल छुट्टी भी हो गई है इत्तेफाक से, तो अगर लेट नाइट होगा भी तो भी चलेगा। चलो हमारे लिए क्या लाओगे बोलो। और ये रही दूसरी वाली पायल जो उसके कंपैरिजन में थोड़ी और डेलिकेट है, थोड़ी पतली सी है, ये भी बहुत प्रिटी है। चाय बनाने का वक्त और आज मैंने खोला अपना नया चाय सेट जो मैं लेके आई थी सोसाइटी स्टोर्स लोखंडवाला से। इस स्टाइल का बहुत समय बाद लाई हूँ और देखो मेरे पहले मेहमान जो इसको इनॉग्रेट करने वाले हैं वो कौन है। हमेशा आप पिलाते हो, सॉरी थोड़ी गिरी मैम। ये मेरे नए टी कप्स इनॉग्रेट करने वाले तुम लोग, अभी लेके आई पहली बार ऐसे कप नहीं तो हमेशा मग होते हैं, आज नए वाले कप। सो इसके बाद ये लोग चले गए अपना मोहम्मद अली रोड, वहां पे इन लोगों ने क्या मस्ती धमाल किया वो आप सबने देख लिया होगा शोएब के व्लॉग में। तो आज मैंने सोचा है कि मैं बनाऊंगी समोसे, लेकिन समोसे की जो फिलिंग है वो हम कुछ अलग सी बनाएंगे, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए इससे पहले कि मैं इफ्तार के लिए लेट हो जाऊं, जल्दी से किचन में चलते हैं और तैयारी शुरू करते हैं और देखते हैं हमारे जो समोसे हैं वो एंड में कैसे बनते हैं। सो आ गई हूँ मैं किचन में और ये सबसे पहले जो है मैंने कॉर्न बॉईल होने के लिए रख दिया है और यहाँ पे साथ साथ आलू बॉईल हो रहे हैं, तीन आलू रखे हैं मैंने। और ये मैंने पालक निकाल ली है, पानी गर्म होने रख दिया, इसमें हम पालक को ब्लांच करेंगे। तो आज जो मैं फिलिंग बनाऊंगी एक वो होगी स्पिनच कॉर्न एंड चीज की फिलिंग। सो अ क्लोजर लुक ऑन द कॉर्न, ये हो रहा है मस्त बॉईल, ये मेरे आलू हो रहे हैं एकदम मस्त बॉईल। और यहाँ पे मैंने रख दिया है पानी पालक को ब्लांच करने के लिए, इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, इसे बॉईल आने देंगे, उसके बाद इसमें पालक डालेंगे। मीनवाइल हमारे आलू बॉईल हो गए हैं, इनको हम छान के रख लेते हैं, अच्छे से हमें रूम टेम्परेचर तक ठंडा कर लेना है। सो हमारा कॉर्न हो गया है बॉईल, मैंने ऑफ कर दिया है, उसे स्ट्रेन करेंगे। उससे पहले इसमें मैं, ये भी बॉईल होने लग गया है तो इसमें अभी मैं पालक डाल देती हूँ, इसको ब्लांच करेंगे, हमें पूरा इसको बॉईल नहीं करना है। अगेन आपकी मर्जी है, आपको पालक कम चाहिए ज्यादा चाहिए, मैं पालक थोड़ी ज्यादा डाल रही हूँ। उसको फिर हम अच्छे से आलू और वाइट सॉस में जब हम कुक करेंगे तो वो बहुत यमी एंड क्रीमी लगती है, बटर वगैरह में सौते करेंगे। बस कुछ सेकंड्स के लिए ही करना होता है, जब तक पालक का जो पत्ता है वो थोड़ा गहरा ग्रीन हो जाए उसके बाद हम इसे निकाल लेंगे। ये कॉर्न मीनवाइल हम लोग छान लेते हैं। ये देखिए ये हो गई हमारी पालक ब्लांच। सो
सो हमारी फिलिंग के सारी वेजीज जो है वो रेडी हो गए हैं। यहाँ आलू अच्छे से बॉईल हो गए हैं, पालक हमारी अच्छे से ब्लांच हो गई है एंड कॉर्न भी हमारा बॉईल हो गया है। अभी हम इन्हें करेंगे सौते। यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें मैं डालूंगी सब बटर। बटर काफी फ्लेवर देगा इसलिए इसमें बटर में कंजूसी मत कीजिएगा प्लीज। और थोड़ा सा इसके साथ मैं ऑलिव ऑयल मिक्स करूंगी, बहुत थोड़ा। अब इसे मेल्ट तो जाने देते हैं एंड देन वी विल ऐड कॉर्न एंड स्पिनच टू इट। सो ये देखिए मेल्ट हो गया बटर। अब इसमें मैं डाल दूंगी हमारी ब्लांच की हुई पालक, इसको हम करेंगे थोड़ा सा सौते इस तरीके से, और फिर हम इसमें डाल देंगे हमारा कॉर्न और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी ये पानी पानी आपको दिख रहा है तो इस पॉइंट पे ना हम इसको कवर कर देंगे तो वो बटर का जो पूरा फ्लेवर है ना वो इसके अंदर अच्छे से आ जाएगा एंड आपकी पालक थोड़ी और ज्यादा कुक हो जाएगी। सो इट विल बिकम अ लिटिल मोर श्रिंक्ड। दैट इज द रीजन मैंने पालक को बिल्कुल भी चॉप नहीं किया है, मैंने उसको ऐसे ही रहने दिया है। उसको हम और श्रिंक होने देंगे 2 से 3 मिनट, उसके बाद हम इसका प्रोसीजर आगे बढ़ाएंगे। सो वंस हमारा पालक और कॉर्न ऑलमोस्ट डन है, हम थोड़ा सा गार्लिक क्रश करेंगे और उसमें डाल देंगे और फिर दोबारा से सौते करेंगे। ऑलमोस्ट डन, बस इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि गार्लिक का फ्लेवर भी कॉर्न और स्पिनच दोनों में अच्छे से रच जाए एंड सौते करके फिर हम इसे फ्लेम को ऑफ कर देंगे। देखिए मैंने इसे हाई फ्लेम पे मैं इसे सौते कर रही हूँ और जैसा मैंने आपको बोला था ये देखिए पालक ना एकदम सॉफ्ट हो गई है, तो आपको चॉप करने की इसलिए मैं कह रही थी कि जरूरत ही नहीं है, तो वो एकदम ही ज्यादा रिड्यूस हो गई है। वैसे भी पालक एक ऐसी चीज है जो आप एक गड्डी भी बना दो वो एक इंसान के लिए ही बनती है, बहुत ज्यादा श्रिंक हो जाती है। सो अब हमारा ये जो मिक्सचर है ये अच्छे से रेडी हो गया है, इसे हम बंद कर देते हैं और हम ढक देते हैं एंड मीनवाइल हम अपनी व्हाइट सॉस रेडी कर लेते हैं। बेसिकली इट्स द सेम सॉस जो हम पास्ता वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, फर्क सिर्फ ये है कि व्हाइट सॉस पास्ता जब आप बनाते हो तो आप सॉस को बहुत लिक्विड रखते हो, इसमें आप लिक्विड नहीं रखते हो, आप उसे थोड़ा सा थिक बनाते हो बिकॉज आपको एक स्टिफ फिलिंग चाहिए जो कि आप समोसे के अंदर डाल सको। तो चलिए वो बनाते हैं। सो ये सबसे पहले थोड़ा सा बटर, थोड़ा सा ऑलिव ऑयल एंड इसमें ऐड कर दिया हमने 2 से 3 चम्मच मैदा, अपने हिसाब से आप डालिएगा, मैंने 3 चम्मच डाले हैं। इसको आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। So, इसे हम भूनेंगे अच्छे से जब तक वो हमें खुशबू नहीं आती कि जो मैदा है वो भून रहा है, यू नो रोस्ट हो रहा है। एक बार वो होने लग जाए फिर हम इसमें थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे। अगेन रिमेम्बर ये वाली सॉस हमें थोड़ी कंसिस्टेंसी में थिक चाहिए, मतलब इट शुड बी जस्ट अ लिटिल लूज देन द मैश पोटेटो, थोड़ा सा ज्यादा नहीं तो आप समोसा की फिलिंग में जब फिलिंग डालोगे ना तो वो बिल्कुल भी जमेगा नहीं एंड डेफिनेटली दैट्स नॉट व्हाट यू वांट। अब लास्ट में इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा मिल्क और देखिएगा कैसे विद इन सेकेंड्स जो है ये एक थिक पेस्ट बन जाएगा, इसे हम हलवा बनाते हैं ना बिल्कुल वैसे ही। So, यहाँ मैंने 2 आलू ले लिए हैं, इनको मैंने बॉईल कर लिया था, अब मैं इन्हें मैश कर लूंगी। So, जैसे आप देख सकते हैं आलू जो बॉईल हुआ है ना वो एकदम ड्राई बॉईल हुआ है। बी केयरफुल कि आप अपने आलू को ओवरकुक ना करें। व्हाट जब भी आप स्टफिंग के लिए आलू रेडी कर रहे हो, चाहे वो आलू पराठा के लिए हो चाहे वो किसी भी चीज के लिए हो, आलू का पानी छूटे उतना ज्यादा उसे बॉईल नहीं होना चाहिए। ये देखिए इट्स परफेक्ट कि कहीं पे भी पानी नहीं छूट रहा और ये बहुत सही तरीके से ड्राई आलू है एकदम। तो आपके पास उतना टाइम होना चाहिए कि आप आलू को बाहर रख दो, वो रूम टेम्परेचर पे आ जाए, उसके बाद आप उसे छील के जो है मैश करो। ये मैंने डाल दिया इसमें व्हाइट सॉस, एक्चुअली इसके लिए व्हाइट सॉस नहीं बोले जी ना, व्हाइट पेस्ट डाल दिया मैंने इसमें। और अब मैं इसमें डाल दूंगी हमारा स्पिनच एंड कॉर्न का मिक्सचर। आह खुशबू आ रही है ना पीछे से, पीछे भी मतलब अच्छी है। मुझे जो ऑडियंस रिव्यू होता है ना वो शूट के वक्त ऐसे मिलता है क्योंकि उसका पीछे से हमेशा रिएक्शन जाता है खुशबू सूंघ के। तो इसे हम पहले अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इस पॉइंट पे स्पिनच एंड कॉर्न जो है वो थोड़ा गर्म है, सो हाथ मत यूज कीजिएगा जल जाएगा,
use a fork or anything else or a spatula that you have or a rubber spoon, but हाथ मत लीजिएगा. उसके बाद अगर आपके हाथ के बर्दाश्त के लिमिट में आ जाता है, हाँ आ गया है, तो मैं उसी से कर लेती हूँ. नथिंग लाइक मिक्सिंग विद योर हैंड, है ना, मजा तो उसी में है. ये देखिए, ये अच्छे से मिक्स हो गया है. बेसिकली इसे मिक्स करते वक्त आपका सबसे मेन मुद्दा ये होना चाहिए कि जो पालक है वो अलग अलग खुल के मिक्स हो, पहली चीज. दूसरी चीज, जो हमने मैदा वाला पेस्ट डाला ना, वो अच्छे से घुल जाए, वो ऐसे गट गट अलग अलग नहीं रहना चाहिए. तो मैंने अच्छे से इसे पूरा घोल लिया है. अब बस लास्ट चीज, इसमें हम चीज ग्रेट करके डालेंगे. तो ये मैं इसी में ग्रेट कर लेती हूँ, वरना चीज यहां से वहां ट्रांसफर करने में ना थोड़ी वेस्ट हो जाती है. आई वॉन्ट इट नाइस क्रीमी एंड चीजी, इसलिए मैंने जो फुल छोटा वाला ब्रिक मंगाया था वो मैं पूरा इसमें डाल रही हूँ. आपको अगर चीज कम चाहिए तो आप कम भी कर सकते हो. वाह. और अब इसे मिक्स करने से पहले हम इसमें अपनी सीजनिंग्स डाल लेते हैं. मैं कुछ भी ज्यादा नहीं डाल रही हूँ, ओनली ब्लैक पेपर. एंड सॉल्ट. एंड थोड़े से चिली फ्लेक्स. दैट्स इट. ओके, टाइम टू मिक्स अगेन. ये देखिए, बहुत अच्छे से जो हमारा मिक्सचर है वो रेडी हो गया. इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ डो. तो इतनी थिकनेस होनी चाहिए, बिल्कुल भी पतला नहीं होना चाहिए. हालांकि ये अभी रॉ है, मैं अभी इसे 15 मिनट के लिए फ्रिज में रखूंगी. अगर आप अपना पेस्ट सुबह रेडी कर रहे हैं और आपको शाम को करना है, तो इसे अच्छे से क्लिंग रैप डाल के फ्रिज में रख दीजिएगा. सो ऑयल मैंने रख दिया है गर्म होने. हमारा जो बैटर है वो मैंने डाल दिया है फ्रिज में. अभी हम बना लेते हैं मैदे की स्लरी, क्योंकि हमें जब समोसा पैक करना है तो हमें स्लरी की जरूरत पड़ेगी. कुछ नहीं है, ये मैंने 2 चम्मच मैदा लिया है. इसमें हम डालेंगे डिजायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे. सो ये देखिए, बस हो गया हमारा मैदे का स्लरी रेडी. इसको इतना अपने पतला रखना है. बेसिकली जब हम इसे फोल्ड करके फाइनल पैक करेंगे तब हमें इसकी जरूरत पड़ेगी. अब आ जाइए समोसा पट्टी. तो ये मेरी फ्रोजन समोसा पट्टी थी. थॉ करने के ना कई सारे तरीके होते हैं. आप फ्रोजन फूड को बाहर ऐसे, अगर आपके पास ज्यादा वक्त है तो आप उसे बाहर ऐसे ही रख दो, तो भी वो रूम टेम्परेचर पे नेचुरली आ जाता है. अगर आप जल्दी में हैं तो आप उसे या तो माइक्रोवेव में डिफ्रॉस्ट कर सकते हैं, या आप इस तरीके से पानी में डाल के उसे डिफ्रॉस्ट कर सकते हैं, तो वो बहुत जल्दी डिफ्रॉस्ट होता है. लाइक टुडे आई वॉज इन अ हरी. मेरे पास 1-1.5 घंटा नहीं था, बहुत कम वक्त था जब तक मैंने ये बनाया. आई थिंक मेरे पास 20-25 मिनट्स ही थे. तो ये अच्छे से जो है अभी स्ट्रिप्स इसमें थॉ हो गए. जब मैं टच कर रही हूँ ना तो ये एकदम सॉफ्ट लग रही है. तो ये एक तरीका है. वरना अगर आपको पता है कि आप कल बनाने वाले हो और आप आज ही डिसाइड करते हो, आपको याद रहता है, जो मुझे कभी याद नहीं रहता, तो आप रात में फ्रीजर से अपनी ये समोसा पट्टी निकालिए, रेफ्रिजरेटर सेक्शन में रख दीजिए और नेक्स्ट डे तक वो एकदम नॉर्मल हो जाएगी. चलिए, ये देखिए कितने अमेजिंग तरीके से हमारी जो समोसा पट्टी है वो थॉ हो गई है, रूम टेम्परेचर पे आ गई है. इट्स स्मेलिंग सो यम. वैसे भी ना ये स्पिनच कॉर्न और चीज का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, ये मेरा तो बहुत बहुत फेवरेट है सैंडविचेस में, हर चीज में. चलिए, टाइम टू यूज आवर समोसा पट्टी एंड अपने समोसास को असेंबल करने की बारी आ गई है. इस तरीके से सबसे पहले हम इसका बनाएंगे एक कोन. ठीक है, उसको आप अपने हाथों में होल्ड कर लेंगे और इसमें अभी हम करेंगे फिलिंग. सो यहाँ मैं इसे फिल कर दूंगी. ये देखिए, जितना भी आपको फिल करना है, ज़्यादा ओवर मत डालिएगा. और इसके बाद हम इसे पैक कर लेंगे. ये देखिए, और पैक करने के लिए हमने जो मैदा की स्लरी बनाई है वो इस तरीके से हम पूरे समोसे की बॉडी पे भी लगा लेंगे, ताकि आपका जो रैप है वो अच्छे से चिपक जाए, फ्राई करते वक्त खुले नहीं. और इस बचे हुए सेक्शन पे भी लगाएंगे. ये हमने लगा लिया अच्छे से, अब हम इसे फोल्ड कर देंगे. वाह, क्या परफेक्ट शेप आया है. So,
मेरा ये पहला समोसा फिलिंग के साथ रेडी है। अब मैं ऐसे थोड़े और बना लेती हूँ, फिर हम फ्राई करते हैं। सो ये 7 समोसाज मेरे हो गए हैं रेडी, अब इनको मैं कर लेती हूँ फ्राई। हाँ, ऑयल मैंने अच्छे से गर्म कर लिया है, अब हम एक एक करके ये इसमें डाल देंगे। मीडियम फ्लेम पे, हाई फ्लेम पे स्विच करते हुए आपको समोसास को फ्राई करना है। ये देखिए कितने अच्छे कलर के ये फ्राई हुए हैं और इतने क्रिस्प है ना, वाह क्या बात है। हो गई है हमारी इफ्तार अच्छे से, सबको नीचे ये समोसा बहुत ज़्यादा पसंद आया। पता है मेरे साथ हमेशा होता है, आई एम श्योर आपके साथ भी होता होगा, कि मैं जितने भी वक्त पहले क्यों ना स्टार्ट कर लूँ, वो लास्ट मिनट पे ना मेरी भागा दौड़ी हो ही जाती है। आज भी वही हुई, लेकिन अच्छे से सारे समोसे रेडी हो गए थे और अभी थोड़े मैंने ऊपर के लिए रखे थे, तो मैंने ऊपर आके वापस से अपने लिए बना लिया। एंड ये अब मैं आपके सामने टेस्ट ना करूँ, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। सो चलिए मैं टेस्ट करती हूँ। ये देखिए, हैव अ क्लोज लुक एट माय समोसा। चलिए इसको तोड़ते हैं। वाह, बहुत यम बनाया। द चीज, पालक, कॉर्न, मुझे ना 2 मिनट लगे वो फ्लेवर्स एंजॉय करने में। एनीवेज, बहुत बहुत फ्लेवर्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला कि ये कॉम्बिनेशन मैं जब भी बनाती हूँ ना, भले आप इसे सैंडविच में बना लो या किसी चीज़ में भी बना लो, मैंने एज अ समोसा इसे पहली बार बनाया है। इट इज़ सो क्रंची कि समोसे का जो मज़ा है ना वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। हाँ जी, आज है नेक्स्ट डे इवनिंग। मैंने कल वो व्लॉग वहाँ तक शूट किया, उसके बाद मैंने कुछ शूट नहीं किया, मैं थक गई थी तो मैं सो गई। मैं कब सो गई मुझे समझ ही नहीं आया। और फिर आज मैं घर पे ही थी एंड आज मेरे पैरों पे स्वेलिंग बहुत ज़्यादा थी, तो मैं ऑलमोस्ट पूरा वक्त पैर जो है चेयर पे रख के बैठी थी। बीच में डिम्पल आई थी, उसके साथ हम फाइनल प्लानिंग वगैरह के लिए गए थे एंड वो सब आपने शोएब के ब्लॉग में देखा होगा। और फिर आज शोएब ने इफ्तार बनाई, क्योंकि उन्होंने मुझे बोला कि तुम आराम करो, उनका ऐसे ही आज किचन में जाने का मन कर रहा था। एंड बहुत मज़ा आया क्योंकि गुलगुले बहुत अच्छे बने थे एंड वो शरबत की बॉटल मेरे साथ हमेशा होता है, पता है? हाँ, मेरी आदत है। सो एक्चुअली ही इज़ राइट, वो मेरा ही किया जा रहा था। सो मेरी पहले ये आदत थी कि मैं सामान निकालती थी और मैं ढक्कन खुला छोड़ देती थी एंड फिर शोएब ने टोक टोक के दिप्पी खराब हो जाएगा, सामान खराब हो जाएगा, तो वो मेरी आदत कम हो गई, मतलब बहुत कम हो गई। लेकिन कभी कभी होता ना कि आप जल्दी में भूल जाते हो, और मेरी किस्मत ऐसी है कि जब मैं भूलती हूँ ना, उसी वक्त इत्तेफाकन शोएब उस चीज़ तक पहुँचते हैं और उनके हाथ में वो आता है, तो मुझे हमेशा बोलते हैं ऐसा। एनीवेज, सो बड़ा मज़ा आया आज, बहुत अच्छा दिन था। और फिर आज अकरम आया था अपनी अम्मी को लेके, तो हम लोग बहुत देर तक उनके साथ बैठ के गप्पे मार रहे थे। और ये यहाँ पे बीटी खाला, नाजा खाला ने आज बनाया है चिकन फॉर डिनर, तो मेरा डिनर आया हुआ है। लेकिन वो शुरू करने से पहले मैंने सोचा कि मैं कल का ये व्लॉग एंड कर लूँ, कंप्लीट कर लूँ और इसे लाइव कर दूँ। तो प्लीज़ बताइएगा आपको समोसे की रेसिपी कैसी लगी, वो फिलिंग बहुत यम लगती है, आप उसके सैंडविचेस भी बना सकते हो, डू ट्राई इट आउट। एंड बस आप सबसे बाय करने से पहले एक बहुत बड़ा थैंक यू। एक्चुअली जैसे आपने शोएब के व्लॉग में देखा होगा, हमने स्टोरीज भी लाई थी कि आरिफ की तबीयत बहुत क्रिटिकल थी, बट अभी उसका जो ऑपरेशन है वो सक्सेसफुल रहा है, सब कुछ अच्छे से हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। एंड तो अभी हम थोड़े पीस में हैं, हाँ, लेकिन आने वाले 2-3 दिन क्रूशियल हैं ऑब्वियसली, क्योंकि बॉडी। सो प्लीज़ आप सब लोग जैसे उसके लिए दुआ कर रहे हैं, करते रहिएगा, हम भी कर रहे हैं। एंड थैंक यू फॉर ऑल द सपोर्ट एंड बस प्रे कीजिएगा कि आरिफ और उसकी अपनी दोनों जल्दी जल्दी एकदम ठीक हो जाएं। एंड मैं आप लोगों को बहुत जल्द मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक इस व्लॉग को, अगर ये व्लॉग अच्छा लगा हो, क्योंकि ये बहुत टुकड़ों टुकड़ों में है, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और दीपिका की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। गाइज, लव यू ऑल।